जर्नी टू द ईस्ट। दोस्तों ये एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है जो कि लगभग 1.25 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है डोंगाई ड्रैगन गर्ल के ऊपर। दरअसल होता यह है कि डोंगाई ड्रैगन जो गर्ल होती है वो पहले ड्रैगन हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से वो एक मछली बन जाती है और वो साथ ही साथ अपनी याददाश्त भी खो देती है। लेकिन एक्सीडेंटली एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जो कि इन सब चीजों से अनजान होता है, और उस लड़की को हो जाता है उस लड़के से प्यार। अब क्या होता है कि जो वो छोटी मछली होती है उसके पीछे कुछ दो लोग पड़े होते हैं। अब आगे क्या कुछ खास इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो जिस तरह के टॉपिक पे ये मूवी बनाई गई है, हालांकि वो टॉपिक अच्छा है और उसको देखने में मजा भी आएगा, लेकिन फिल्म के अंदर जो बजट है ना वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको काफी ज्यादा चीजें पसंद ना आए। और बाकी जो VFX और CGI वर्क है उसे देखते हुए आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, यानी कि बस मैं यही कहूंगा कि काम चल जाता है। बाकी मूवी से इतनी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपको कुछ ज्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा। और रही बात करेक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो अच्छी है, आप उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। जो मूवी का एंडिंग सीन होगा वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भरा होगा, यानी कि आप जब मूवी की एंडिंग देखोगे तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाओ। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस मूवी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि जो मूवी की लेंथ है वो ज्यादा लंबी नहीं है, लगभग 1.25 घंटे के करीब है, तो आप इस मूवी को देख के निपटा भी दोगे, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।